प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र के नांदेड़ में चुनावी रैली की, जहां उन्होंने पहले चरण में वोट देने वालों को धन्यवाद दिया। पीएम ने कहा कि कल देश में पहले चरण का मतदान संपन्न हुआ है। मैं वोटिंग करने वाले सभी लोगों को, विशेषकर हमारे फर्स्ट टाइम वोटर्स को बहुत बहुत बधाई देता हूँ और उनका आभार भी व्यक्त करता हूँ। मतदान के बाद अलग अलग लोगों ने बूथ लेवल तक का जो विश्लेषण किया है और जो जानकारियां मिल रही हैं, उससे विश्वास पक्का हो रहा है कि पहले चरण में एनडीए के पक्ष में एक तरफ मतदान हुआ है। पीएम मोदी ने कहा कि ये लोग दावे जो भी कर रहे, लेकिन सच्चाई यही है कि चुनाव की घोषणा से पहले ही कांग्रेस के नेता अपनी हार मान चुके हैं। इसीलिए कुछ नेता जो लगातार लोकसभा में जीत कर आते थे, इस बार वो राज्यसभा के रास्ते से अंदर जाकर बैठ गए हैं। वहीं पीएम मोदी ने राहुल गांधी का नाम लिए बगैर कहा कि कांग्रेस के शहजादे को अब वायनाड सीट पर भी हार का खतरा नजर आ रहा है। यही कारण है कि कांग्रेस की यह टोली 26 अप्रैल का इंतजार कर रही है। 26 अप्रैल को वोटिंग के साथ ही उन्हें महसूस होगा कि शहजादा यहां से हार सकता है, तो उसके लिए एक और दूसरी सुरक्षित सीट तलाशी जाएगी। कांग्रेस के जो शहजादे हैं, उन्हें भी वायनाड में संकट दिख रहा है। शहजादे और उनकी टोली 26 अप्रैल को वायनाड में वोटिंग का इंतजार कर रही है। जैसे ही 26 को वायनाड में वोटिंग पूरा हो जाएगा, ये शहजादे के लिए एक और सुरक्षित सीट घोषित कर देंगे और कहीं और से फिर से लड़ाना पड़ेगा उनको, क्योंकि उनके अलायंस के साथी भी एक दूसरे को गालियां दे रहे हैं। कल आपने उनके एक साथी, केरल के मुख्यमंत्री ने जो शहजादे को सुनाई है, मैं भी कभी ऐसी भाषा नहीं बोलता, वो ऐसी भाषा बोली है उन्होंने साथी को, ये हाल है उनका। अब जैसे इन्होंने अमेठी से भागना पड़ा, अमेठी छोड़ा, अब मान के चलिए वो वायनाड भी छोड़ेंगे। पहले चरण का मतदान संपन्न हुआ है। मैं वोटिंग करने वाले सभी लोगों को और विशेषकर हमारे फर्स्ट टाइम वोटर्स को बहुत बहुत बधाई देता हूं और उनका आभार भी व्यक्त करता हूं। मतदान के बाद अलग अलग लोगों ने बूथ लेवल तक का जो एनालिसिस किया और जो जानकारियां मिल रही है, उसे विश्वास पक्का हो रहा है कि पहले चरण में एनडीए के पक्ष में एक तरफा मतदान हुआ है।